नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों, भारत में निकलने वाली हर एक वैकेंसी की अपडेट, योजनाओं की जानकारी आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं RITES में निकली भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, क्या है यह भर्ती, पूरी जानकारी आपको आज हम देने वाले हैं। योग्यता क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, आवेदन किस प्रकार से करना है, नोटिफिकेशन कहां से मिलेगा, सभी जानकारी आपको देंगे। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आप सभी को हर एक अपडेट मिलती रहे। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, हमारी एक यूट्यूब चैनल के साथ साथ एक वेबसाइट भी है जिस पर हम हर एक वैकेंसी के डिटेल अपलोड एंड PDF अपलोड करते हैं, जिसका नाम है गौर न्यूज 24। लिखकर आप जैसे ही क्रोम या गूगल पर सर्च करेंगे आपके सामने पहली वेबसाइट आ जाएगी www.gournews24.in। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको फॉलो का एक ऑप्शन दिया जाएगा जिसे आपको फॉलो कर लेना है। RITES में इंजीनियर्स की निकली भर्ती, एज लिमिट 40 साल, इसकी हम जानकारी आज आपको देने वाले हैं। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड यानी कि राइट्स ने सिविल इंजीनियर प्रोफेशनल की भर्ती निकाली है। उम्मीदवार राइट्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कंपनी की जरूरतों के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को भारत में कहीं भी नियुक्ति की जा सकती है। भर्ती का अगर हम पद की बात करें तो दोस्तों, सिविल इंजीनियर का जो पद रहेगा, ठीक है, सिविल इंजीनियर का पद रहेगा। आवेदन इसके 14 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं जो कि 6 दिसंबर 2024 तक इसमें चलने वाले हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो ST SC EWS OBC जनरल सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क आवेदन रखा गया, इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। टोटल पद की संख्या 60 है दोस्तों, टोटल 60 पदों पर यह भर्ती होनी है। चिन्हित किया गया असिस्टेंट हाईवे इंजीनियर, असिस्टेंट ब्रिज स्ट्रक्चर इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो उम्मीदवार की आयु 25 व अधिकतम आयु 40 साल होनी चाहिए। ST SC उम्मीदवारों को सरकारी नियम के अनुसार जो है वो छूट दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो सिविल इंजीनियर में बैचलर मास्टर डिग्री के साथ में वर्क एक्सपीरियंस आपके जरूरी होना चाहिए। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10वीं की मार्कशीट आपको लगेगी, 12वीं की मार्कशीट लगेगी, डिप्लोमा स्नातक सभी सेमेस्टर के, डिप्लोमा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट लगेगा, पोस्ट ग्रेजुएट की मार्कशीट लगेगी जो कि सभी सेमेस्टर की, स्नातोत्तर का प्रमाण पत्र लगेगा। सैलरी की अगर हम बात करें तो 25,504 रुपए से लेकर 46,470 रुपए आपको प्रतिमाह जो है वो दिया जाएगा। सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो उम्मीदवार का चयन इंटरव्यू के बेस पर होगा, यानी इंटरव्यू के माध्यम से आपका जो है वो चयन किया जाएगा। आवेदन आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक नीचे दी गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप क्लिक करिए तो जिससे कि आप राइट्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर एंटर हो जाओगी। यह है राइट्स की ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की फुल प्रोसेस यहाँ पर लिखी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है जिससे आप राइट्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यह रहा राइट्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं OBC EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों को कौन कौन सी कितनी सीट है और कितने कौन कौन से पद पर कितनी सीट है, यहाँ पर आप टोटल देख सकते हैं, एज लिमिट देख सकते हैं, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो राइट्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारी वेबसाइट को फॉलो नहीं किया तो नवीन अपडेट पाने के लिए जरूर फॉलो करें। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।